का जो है वो स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय दिया है कि 5 अगस्त 2019 के अंदर जो फैसला जो है वो भारत यहाँ की सरकार ने लिया था, भारत सरकार ने इसको 370 और 35 को रिमूव किया था, वो उनका फैसला जो था वो बिल्कुल सही था। लेकिन 370 और 35 के ऊपर कश्मीर के कुछ नेता लगातार राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। हमने पहले भी कहा चैनलों के माध्यम से कि ये 370 और 35 है, ये इतिहास के पन्नों में हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। लेकिन ये लोग 370 और 35 के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को लेके गए। आज उनके सपने जो है वो चकनाचूर हो गए हैं और 370 और 35 को पूर्ण रूप से कब्र के अंदर जो है वो दफन कर दिया गया है। शक पैदा कर दिया था कि 370 गलत तरीके से इन्होंने हटाया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का बरकरार रहेगा और 370 का इस यूपी में कोई जगह नहीं है। जो आपके समाज पर इस तरह से देखते हैं आज का फैसला, पहले संविधान में पास हुआ उसके बाद आज फैसला हुआ, तो आपको लगता है कि किस तरह का फैसला देखते हैं? सर मैं बताया कि ये हमारे लिए एक नई रोशनी की किरण है, नई रोशनी की किरण है, इससे हम अपना का फ्यूचर है वो हमारा बिल्कुल सिक्योर हो गया है। अभी अब हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ना ही हमें कोई बता सकता है कि ये सुप्रीम ये फैसला टेम्पररी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये जो प्रोविजन था टेम्पररी था, अस्थाई था, ये हटना ही था और उन्होंने हटा दिया है इसको। Hello.
आप देखेंगे पीछे लगातार।